हाय गाइस, दिस इज़ डीके एंड वेलकम टू माय चैनल डीके एजुकेशनल हब। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल के बारे में पढ़ेंगे। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस for some of their actions that used to upset you earlier। क्या आप महसूस करते हैं आप अपने माता पिता को जब आप बहुत छोटे थे की बजाय अब अच्छी प्रकार जानते हैं? शायद आप अब उनके कारणों को समझते होंगे जो पहले उनके द्वारा की गई क्रियाएं आपको दुखी कर देती थी। This story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home। यह कहानी एक छोटी लड़की के बारे में है जिसकी अपने पिता के बारे में भावनाएं डर से समझदारी में बदल गई। शायद प्रत्येक घर में इसकी गूंज मिलती होगी। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच सी रिस्पोंडेड विद गुड बाय फादर एंड ओह देर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हर्ड the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। In the evening when he came home she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, bring my tea into the drawing room, hasn't the paper come yet, mother go and see if my papers out there and bring my slippers। उस छोटी लड़की के लिए पिता डरने लायक तथा उनसे बचने लायक व्यक्ति थे। हर प्रातः काम पर जाने से पूर्व वह उसके कमरे में आते तथा लापरवाही पूर्वक उसे चुम्बन लेते। इसके बदले में केजिया उन्हें अलविदा पापा कहती और ओह जब वह उनकी गाड़ी की आवाज़ लंबी सड़क पर दूर जाते हुए कम होती जाती तो उसे बहुत खुशी भरी राहत होती। शाम को जब वह घर लौटते तो केजिया सीढ़ी के पास खड़ी रहती तथा हॉल में आती ऊंची आवाज़ सुनती, मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ और समाचार पत्र बाहर पड़ा है तथा मेरी चप्पलें लाओ। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। केजिया, माँ उसे आवाज़ देती, यदि तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो तथा अपने पापा के बूट उतार सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। मंद गति से लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती है और अधिक मंद गति से हॉल के दूसरे ओर जाती है तथा ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है। बाई दैट टाइम ही हैड हीज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। उस समय तक पापा ने अपना चश्मा लगा लिया था तथा उन्होंने लड़की की ओर इस प्रकार देखा कि वह डर गई। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे?
केजिया, जल्दी करो तथा इन बूटों को उतार कर बाहर ले जाओ। क्या आज तुम अच्छी बच्ची बनी रही? आई डर डोंट नो फादर। यू डर डोंट नो? इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। मैं नहीं जानती पापा। तुम नहीं जानती? यदि तुम इसी प्रकार रुक रुक कर बोलती रही तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। वह अन्य लोगों के साथ बात करते समय कभी नहीं हकलाती थी। उसने यह आदत लगभग छोड़ दी थी, पर केवल पापा के साथ बात करते समय वह सही ढंग से नहीं बोल पाती थी, क्योंकि उसे अपने शब्दों को सही ढंग से बोलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता था। What's the matter? क्या मामला है? What are you looking so raised about? तुम इतनी घबराई हुई क्यों दिखाई देती हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. केजिया की माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि वह आत्महत्या करने के निकट न दिखाई दे। केजिया, मेरा चाय का प्याला सावधानी पूर्वक मेज पर वापस रख दो। ही वॉज सो वीक, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, एस्पेशली हिज माउथ व्हेन ही योन्ड, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। पापा इतने बड़े थे, उनके हाथ तथा उनकी गर्दन, विशेषकर उनका मुख जब वह ऊंचाई जम्भाई लेते थे, उनके बारे में सोचने का अर्थ था किसी दैत्य की कल्पना करना। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। रविवार की अपराह्न को दादी माँ लड़की को नीचे ड्राइंग रूम में भेजती थी ताकि वह अपने पापा मामा से मीठी मीठी बातें कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। पर छोटी बच्ची सदैव ही माँ को कुछ पढ़ते पाती तथा पिता को सोफे पर पसरे हुए पाती। उनकी चेहरे पर रुमाल पड़ा होता, उनकी टांगें सबसे अच्छी गद्दी पर पड़ी होती और वह गहरी नींद में खर्राटे लेते हुए सो रहे होते। सी सैट ऑन अ स्टूल gravely watched him until he woke up and stretched and asked the time, then looked at her. वह एक स्टूल पर बैठ जाती, पापा के जगने तक गंभीरता से प्रतीक्षा करती। पापा हाथ वह फैलाते तथा पूछते क्या समय हुआ और फिर बच्ची की ओर देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, इस प्रकार से मत घूरो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम तो छोटे से भूरे रंग के उल्लू की तरह दिख रही हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड सी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। एक दिन जब केजिया को सर्दी जुकाम था और उसके कमरे के अंदर ही रखा गया था, तो उसकी दादी ने उसे बताया कि तेरे पापा का जन्मदिन अगले सप्ताह है तथा सुझाव दिया कि तुम उनके लिए
पीले रेशमी कपड़े के सुंदर टुकड़े से उपहार स्वरूप एक पिन कुशन बनाओ। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड्स बट वॉट टू फील इट विद दैट वॉज द क्वेश्चन। बहुत परिश्रम पूर्वक दोहरा सूती कपड़ा लेकर बच्ची ने तीन ओर सिलाई मार दी, पर उसमें भरे क्या, यही प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड सी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। दादी बाहर बगीचे में थी और इसीलिए बच्ची माँ के कमरे में टुकड़े एकत्रित करने गई। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी सीड्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीड अप द फोर्थ साइड। पलंग से सटी मेज पर उसने अच्छे कागज की सीट रखी मिल गई। उसने उन्हें समेटा, उन्हें फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, अपने थैले में भर दिए, फिर उसने चौथी ओर उस पर सिलाई कर दी। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द फोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम। उस रात घर में शोरगुल मच गया। पापा का बंदरगाह प्रशासन के लिए तैयार किया गया भाषण खो गया था। कमरों में तलाशी ली गई, नौकरों से पूछताछ की गई, अंत में माँ केजिया के कमरे में आ गई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। केजिया, कहीं तुमने हमारे कमरे में मेज पर रखे कुछ कागज तो नहीं देखे? जी हाँ, उसने कहा। मैंने अपनी हैरानी में उन्हें फाड़ दिया। क्या, माँ चीखी, इसी क्षण नीचे ड्राइंग रूम में आ जाओ। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। वेल, ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। डिड यू डू दैट? नो नो नो, सी विस्पर्ड। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और उसे घसीट कर वहाँ लाया गया जहाँ पापा आगे पीछे घूम रहे थे, उनके हाथ पीठ पीछे थे। क्या हुआ, उन्होंने आवेशपूर्वक पूछा। माँ ने स्थिति स्पष्ट की। वह ठहर गए तथा उन्होंने बच्ची की ओर घूमकर देखा। क्या तुमने वह शैतानी की? नहीं, वह धीरे से बोली। केजिया की माँ, ऊपर इस बच्ची के कमरे में जाओ तथा उस थैले पिन कुशन को ले आओ तथा बच्ची को इसी क्षण उसके बिस्तर पर लिटा दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। अपना स्पष्टीकरण देने के लिए बेचैन केजिया अंधेरे कमरे में रोती हुई पड़ी रही तथा शाम की रोशनी में फर्श पर बनते छोटे उदास नमूनों को देखती रही। देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स। फिर पापा कमरे में हाथ में छड़ी लेकर आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। मैं तुम्हें इस शैतानी के लिए दंड दूंगा, वह बोले। ओह नो नो, सी स्क्रीम्ड, हाइडिंग द बेड क्लॉथ्स। ओह नहीं नहीं, बच्ची चीखी तथा बिस्तर के नीचे छिपने लगी। ही पुल्ड देम असाइड।
पापा ने बिस्तर की चादरें एक ओर कर दी। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पॉम्स। उठकर बैठो, उन्होंने आज्ञा दी, और अपने हाथ बाहर फैलाओ। तुम्हें एक बार सदा के लिए पाठ सिखाना जरूरी है। जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे छूना नहीं चाहिए, पर यह तो आपके जन्मदिन के उपहार के निमित्त था। बच्ची के छोटी गुलाबी हथेलियों पर छरी पड़ी। आवर्स लेटर, व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। घंटों पश्चात जब दादी माँ ने उसे शॉल में लपेट लिया तथा उसे आराम कुर्सी पर झुलाया, तो बच्ची उनके मुलायम शरीर से चिपट गई। What did God make fathers for? She sobbed. परमात्मा ने पापा लोगों को किस लिए बनाया? उसने सिसकी भरते हुए पूछा। Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep. Pet, you'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. यह लो साफ रुमाल मेरी लाडली, नाक साफ कर लो, सो जाओ, तुम प्रातः तक सब कुछ भूल जाओगी। मैंने तो तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की थी, पर वह इतने नाराज़ थे कि आज रात कुछ भी सुनने को राजी नहीं हुए। परंतु बच्ची कभी भी भूल नहीं सकी। अगली बार जब उसने पापा को देखा तो उसने शीघ्रता से अपने दोनों हाथ पीठ पीछे कर लिए तथा उसके गालों पर लालिमा दौड़ गई। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनाल्ड परिवार पड़ोस में रहता था। दे हैड फाइव चिल्ड्रन, उनके पांच बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। बार में बने छेद से झांक कर केजिया ने उन्हें शाम को खेल खेलते देखा। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर्स बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर। Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. Then it was she decided there were different sorts of fathers. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. पापा बच्ची माओ को अपने कंधों पर उठाए हुए थे। दो छोटी लड़कियां उनके कोट की जेब पकड़े फूलों की क्यारियों के चारों ओर भाग रही थी। हंसी से वह हिल डुल रही थी। एक बार तो केजिया ने देखा कि बेटों
अपने पापा के ऊपर पाइप से पानी छिड़क दिया और पापा ने हंसते हंसते उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। तभी केजिया ने धारणा बना ली कि पिता भी अनेक प्रकार के होते हैं। अचानक एक दिन माँ अस्वस्थ हो गई और दादी के साथ वह अस्पताल चली गई। बच्ची घर में भोजन पकाने वाली अलाइस के साथ अकेली रह गई। दिन के समय सब ठीक ठाक रहा, पर जब अलाइस ने उस पलंग पर लिटाया तो उसे सहसा डर लगने लगा। What I do if I have a nightmare? यदि मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी? She asked, उसने पूछा। I often have nightmares and then granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, putting off her socks. And don't you scream and wake your poor pa. मुझे अक्सर दुःस्वप्न आते हैं और फिर दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तुम सो जाओ बच्ची, अलाइस बोली। बच्ची की जुराबें उसने उतार दी। और तुम चीख मत मारना वरना पापा जग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, वही पुराना बुरा सपना बच्ची को आया। द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, एक कसाई हाथ में चाकू और रस्सी पकड़े था। हु केम नियर एंड नियर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल व्हाइल सी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टील क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा। वह निकट आता जा रहा था, वह डरावनी मुस्कुराहट लिए होता, जबकि केजिया हिलडुल भी नहीं पाती, स्थिर खड़ी रहती, चीख मारती, दादी माँ दादी माँ। सी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। वह कांपती हुई जग गई और उसने पापा को हाथ में मोमबत्ती लिए बिस्तर के निकट खड़े पाया। क्या बात है, उन्होंने पूछा। ओह अ बूचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। ओह एक कसाई, चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। पापा ने मोमबत्ती फूंक मारकर बुझा दी, झुके बच्ची को बाहों में उठा लिया, अपने साथ उसे गलियारे से होकर बड़े शयन कक्ष में ले गए। अ न्यूज पेपर वॉज ऑन द बेड, अ हाफ स्मोक्ड सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प। ही पुट अवे द पेपर, थ्रू द सिगार इन टू द फायर प्लेस, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड ही ले डाउन बिसाइड हर, हाफ अस्लीप स्टिल, स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वॉर्म, सेड फादर। उनके बिस्तर पर एक समाचार पत्र पड़ा था, एक आधी पी गई सिगार लैंप के पास पड़ी थी। उन्होंने समाचार पत्र को अलग रखा, सिगार को अंगीठी में फेंक दिया, फिर संभाल कर बच्ची को बिस्तर पर लिटा दिया।
वह स्वयं बच्ची के बगल में लेट गए। अभी भी अधनिंदी में केजिया थी। अभी भी उसे कसाई की मुस्कुराहट अपने चारों ओर दिखाई दे रही थी। वह पापा के निकट खिसक गई, उनकी बाहों के नीचे अपना सिर छिपा लिया तथा उनकी कमीज कसकर पकड़ ली। फिर अंधेरे से उसे डर नहीं लगा, वह स्थिर लेटी रही। लो अपनी टांगे मेरी टांगों से रगड़ लो तथा उन्हें गर्म कर लो, पापा बोले। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। थके होने के कारण वह बच्ची के सोने से पूर्व ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। बच्ची के मन में एक विचित्र भाव जगा। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। बेचारे पिता इतने भीमकाय भी न थे और फिर उनकी देखभाल करने वाला भी कोई न था। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड। सी हैड टर्न ऑफ ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग। सी स्टेड सडनली एंड साइड। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर। अनदर ड्रीम। ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माय हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। और फिर उनकी देखभाल करने वाला भी कोई न था। दादी माँ से उनका शरीर अधिक कठोर था, पर वह कठोरता भी अच्छी थी और हर दिन उन्हें काम पर जाना होता है। वह इतना थक जाते हैं कि मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। उनके लिखे कागजों को उसने फाड़ दिया था। वह अचानक हिली तथा उसने एक आह भरी। क्या बात है, पापा ने पूछा, क्या दूसरा सपना आया? ओह, बच्ची बोली, मेरा सिर आपके हृदय पर रखा है, मैं आपके हृदय की धड़कन सुन सकती हूँ। आपका हृदय कितना विशाल है प्रिय पापा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। इसे अच्छी तरह से एक दो बार पढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।